हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट द न्यूज। अरे भाई न्यूज कहाँ है? चाय गरम चाय, चाय गरम गरम मसाले वाला चाय। सींगाई सींग खारी सींगाई भरूच के खारी सींगाई। कोल्ड ड्रिंक बोलो कोल्ड ड्रिंक, आगरे का पेठा बोलो आगरे का पेठा। मथुरा के पेड़े ले लो मथुरा के पेड़े। ए चॉकलेट वेफर बिस्किट बच्चों का टॉयज, चॉकलेट वेफर बिस्किट बच्चों का टॉयज। ये सब बेचते हुए हमने हॉकर्स को फेरी वालों को सुना है, बट कभी ऐसा दिन आएगा ये नहीं सोचा था। हेलो भाई वैक्सीन वैक्सीन कोरोना वैक्सीन पहला डोज बीजो डोज बजा ले गया तुम्हें रह गया। चलो आबाजू वैक्सीन 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 चलो भाई कोरोना वैक्सीन। ट्रांसलेशन मैं कर देता हूँ। वैक्सीन 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 ले लो वैक्सीन, सबने लगवा ली आप रह गए जान बचाने वाली वैक्सीन। लेकिन ये भाई साहब जो हैं ये कोई हॉकर नहीं है बल्कि एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं जिनकी काफ़ी तारीफें भी हो रही हैं इनके इस क्रिएटिव इनिशिएटिव के लिए, इनके डिटर्मिनेशन और मेहनत के लिए भी। अहमदाबाद में पालड़ी एरिया पर जब इस भाई साहब ने इतनी क्रिएटिव तरह से वैक्सीन बेचना शुरू किया तब किसी ने इनका वीडियो बना के इन्हें वायरल सेंसेशन बना दिया। वैसे मैं बहुत मिस करता हूँ इन सारे हॉकर्स को, इनकी अलग अलग स्टाइल्स को, इनकी आवाज़ों को। हर शहर के इनके अपने प्रोडक्ट्स के अपने अलग अंदाज होते हैं बेचने के। बिल्कुल कई बार मुझे लगता है ये टैलेंट इधर अगर हमारे टोरंटो में भी आ जाए, ओ माय गॉड, तो मज़ा ही आ जाए ना। यहाँ की खाने पीने की चीज़ें भी अगर इसी अंदाज में बेची जाएँ तो अलग ही मज़ा हो। ए पुडिन 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 ग्रैब अ चीज़ी पुडिन GTA's बेस्ट पुडिन। ए क्रीम चीज बेगल मज्जा नहीं आने पर पैसे वापस मनी बैक गारंटी। चुर्रो 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 ले लो हैव सम चुर्रो। समोसे गरम स्पाइसी पोटैटो पेस्ट्री। अलग ही मज़ा आया नहीं इन चीज़ों को खाने का फिर कि हाँ थोड़ा फीलिंग आया। वैसे अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टैलेंट हाजिर है कॉम्पिटिशन में जीत जाने को, कोई तकिए से ना मारे मेरे दीवाने को। चक दे एक तकिया दूंगा मैं रख के। जीतेगा भाई जीतेगा, तकिया मारने वाला जीतेगा। ए बकिया निकाल तकिया और तैयार हो जाए एक जबरदस्त पिल्लो फाइट के लिए। नेशनल लेवल कंपटीशन है ये, तो अच्छे से तैयारी रखना और महंगे वाला तकिया रखना, समझे क्या? अब चक्कर ये है कि ये सारे कॉन्वर्जेशन हो सकता है रियलिटी में भी होते हों बट जापानीज भाषा में, क्योंकि पिलो फाइटिंग जापान में नेशनल लेवल पे खेला जाता है। 2013 में वहाँ के स्टूडेंट्स के जब स्कूल कॉलेजेस के ट्रिप्स पर देखा गया कि वो लोग पिलो फाइट्स को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लग गए हैं, तो फिर 2014 में पिलो फाइट को नेशनल लेवल स्पोर्ट की तरह शुरू कर दिया गया, जिसमें पहले दोनों तरफ के टीम के प्लेयर्स जो होते हैं गेम की शुरुआत में लेटे हुए होते हैं एंड गेम स्टार्ट होते ही खड़े होकर पिलो फाइट शुरू। वैसे बहुत से अपने ऐसे देसी खेल हैं जिन्हें अगर हम बचपन से सीरियसली लेना शुरू कर दें नेशनल लेवल स्पोर्ट की तरह, तो अलग ही लेवल पे वो स्पोर्ट पहुंच जाए। जैसे कि खो खो तो ऑलरेडी नेशनल लेवल स्पोर्ट बन चुका है, वैसे ही नेशनल लेवल छुपन छुपाई, थप्पा, आइस एंड वाटर, नदी के पर्वत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हमारे बचपन के खेल हो सकते हैं। नेशनल लेवल अंताक्षरी, नेशनल लेवल लॉटो हाउसी, नेशनल लेवल म्यूजिकल चेयर्स। और आपको अगर कोई गेम्स ऐसी याद आती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। वैसे ऐसी ही और अतरंगी बातों के साथ मैं आरजे अनूप मिलूंगा आपको व्हाट द न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Red FM.